कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है और दिल्ली में भले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, इसके बाद वीकली लॉकडाउन भी लगा दिया गया है शनिवार और संडे को। आप लोगों को एक सवाल जरूर होगा, क्या दिल्ली में जितने भी लोकल ट्रेन या फिर स्पेशल ट्रेन चल रहे हैं शनिवार और रविवार को चलेंगे या फिर नहीं चलेंगे, या फिर शनिवार रविवार को ट्रेन कैंसिल हो जाएंगे? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, कोरोना का कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसी को रोकने के लिए दिल्ली सरकार सीएम केजरीवाल ने न्यू गाइडलाइंस जारी किया है। सबसे पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया 10 बजे रात से सुबह सुबह 5 बजे तक। इसके बाद वीकली लॉकडाउन भी लगा दिया गया है शनिवार और रविवार को। तो एक सवाल आप लोगों को उठ रहा होगा, क्या फिर से लॉकडाउन लगेंगे? अब पहले के जैसे फिर से जितने भी ट्रेन चल रहे हैं सारे ट्रेन कैंसिल होंगे। तो रेलवे की तरफ से इसके लेकर कोई भी ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है जिसमें बताया गया हो जितने भी लोकल ट्रेन या फिर स्पेशल ट्रेन चल रहे हैं सारे के सारे ट्रेन कैंसिल होंगे। यहाँ तक देखा जाए तो रेलवे यहाँ पे काफ़ी स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता जितने भी पहले जो ट्रेन चल रहे हैं वो ट्रेन कैंसिल होंगे या फिर नहीं कैंसिल होंगे। हाँ, कुछ रूटों में ट्रेन को कैंसिल किया गया है, जैसे अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद, लखनऊ टू दिल्ली, दिल्ली टू लखनऊ के लिए तेजस एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया है कोरोना के कारण। लेकिन एक सवाल, शनिवार रविवार को पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा तो क्या हम रेलवे स्टेशन पे जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते? कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिस या फिर रविवार का ट्रेन में टिकट उसने बुक करवा रखे होंगे, तो उनको यही कहना चाहूँगा, आपका टिकट होगा शनिवार या फिर रविवार को तो आप लोग बिल्कुल आसानी से रेलवे स्टेशन जा सकते हैं और ट्रेन में आप लोग सफ़र कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।